ए सामने से, सामने से मारेंगे वो मोटर पे आएगा पानी। नहीं मोटर, वो मोटर सील्ड होता है, मोटर सील्ड होता है, मोटर की दिक्कत नहीं है। बस ध्यान में रखना होता है पीछे इसमें पानी ना जाने पाए सर्किट में, बस मोटर सील्ड होता है, मोटर में जाए पानी कोई बात नहीं है। चलो बस इतना काफी है, बस एक दो ले लो, बस काफी है इतना। इतनी बड़ी बड़ी वीडियो क्यों बना रहे तो क्या हुआ, मेरा तो मार्केटिंग है वीडियो का। अब एक देख लिया, बार बार इसको दिखाना भी बोरिंग हो जाता है। नहीं नहीं इसमें मैं आईडियो ऐड करूँगा ना, प्रोफेशनल आईडियो ऐड करूँगा इसमें, बोरिंग नहीं होता है। जिसे नहीं पता है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ये। ये जो काम है ये सऊदी अरब का है, वो इंडिया और पाकिस्तान की तरह नहीं है कि एसी खुलवा देते हैं और उसके बाद इंडोर अलग करके आउटडोर अलग करके साफ करिए सर्विस करिए। सऊदी अरब में ऐसे ही सर्विस होता है, पानी मार दिया आउटडोर में आगे पीछे कंडेंसर में, बस ये हो गया, ऐसे ही सर्विस होता है। सर्विस ऐसे ही होना चाहिए स्प्लिट एसी का, लेकिन कुछ लोग हैं ना कहते नहीं इंडोर अलग करके आउटडोर अलग करके, आधा लाइफ तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है एसी का। और कुछ लोग इंडिया में क्या करते हैं कि केमिकल से धो देते हैं, केमिकल से धोने के बाद कंडेंसर और कूलिंग कॉइल का लाइफ ख़त्म हो जाता है। इसलिए सऊदी अरब में बहुत दिनों तक एसी 20-20 साल तक, 25-25 साल तक ऐसे ही पड़ा रह जाता है, ख़राब नहीं होता है। इसका कंडेंसर और कूलिंग कॉइल तो यहाँ पे लाइफ टाइम निकल जाता है, कंडेंसर कूलिंग कॉइल चेंज नहीं होता है यहाँ पे। जब भी चेंज होता है 25-30 साल में तो डायरेक्ट मशीन ही चेंज हो जाता है, यही कारण है, यही रीज़न है। यहाँ पे देखिए इस तरह से सर्विस हो रहा है, यही होता है सर्विस करने का तरीका। पानी मार दिए बस उसमें से कचरा निकल जाना चाहिए, धूल मिट्टी जो है वही निकल जाना चाहिए, बस सर्विसिंग करने का ये तरीका होता है। अब देखिए इसमें, इसमें है क्या, कुछ भी नहीं है, पूरा क्लियर हो गया है कंडेंसर। और सर्विस करने का मतलब यही होता है कंडेंसर क्लियर हो, ताकि जो रेफ्रिजरेंट का हीटअप होता है वो बाहर फेंक सके और एयर के स्पर्श में आके कंडेंसर ठंडा हो सके, बस इसीलिए सर्विस किया जाता है एसी का। ये आप देख सकते हैं ये 4 टन का है डक्टेबल एसी, इसमें डबल फैन मोटर लगा हुआ है और सिंगल है इसमें कंप्रेसर लगा हुआ है, स्क्रॉल टाइप कंप्रेसर। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, सब कुछ इसमें डिटेल से लिखा होता है। यहाँ पे देखिए 48, मैं पहले भी बताया हूँ 12,000 BTU बराबर 1 टन और 24,000 BTU इज इक्वल टू 2 टन, तो ये 12 चौक 48 48,000 है, तो ये 4 टन का हुआ।